Hello student, now today we are going to start a new topic is conversion of one unit into another unit. So before we start, we have to know the basic things. So in place, in previous part we have discussed the placement chart of units. So जब डेसी की बात आती है, डेसी करते हैं तो 1/10 होता है डेसी का मीन प्लेस वैल्यू में. सेंटी का मतलब होता है 1/100 एंड मिली का मतलब होता है 1/1000. ये सब लोअर यूनिट्स में आएंगे, ये सब यूनिट्स लोअर यूनिट आएंगे. जब हायर यूनिट की बात करें सो डेका मीन्स होता है 10, हैको मीन्स होता है 100, किलो मीन्स होता है 1000. आई एम रिपीटिंग दिस, डेसी मीन्स 1/10, सेंटी मतलब 1/100, मिली मतलब 1/1000. सो दीज आर द लोअर यूनिट्स. ये नियम है, हम यूनिट्स पे जाएंगे. सपोज आपको वर्णन करना था 1 kg. जैसे सपोज 1 kg है, 1 kg हो गया. सो मीन्स 1 kg हो गया तो मीन्स क्या आ गया, जब हम उसको लोअर यूनिट पे जाएंगे तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से. तो kg को हम जब ग्राम में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो हो जाएगा 1 kg का हो जाएगा 1000 ग्राम. सो डेका का मतलब होता है 10, हेक्टा का होता है मतलब 100 किलो. सो लेट्स चेंज द टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन. अभी नेमिंग बताया था तो कन्वर्जन. सो कन्वर्जन ऑफ लेंथ, हम लेंथ की यूनिट का कन्वर्जन करेंगे. तो नाउ लेट अस स्टार्ट. सो स्टूडेंट, कन्वर्जन ऑफ लेंथ, लेंथ लंबाई, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. सो 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter. वी नो दैट 1 kilometer में 1000 meter होता है, 1 meter में 100 centimeter होता है एंड 1 centimeter 10. जो हमारा रूलर होता है, स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है. तो 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, जो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर जाते हैं, जो 10 लाइन होती है उसमें ही 10, जो 10 लाइन होती है उसको 10 एमएम बोलते हैं. 10 एमएम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 लाइन मिला के 1 सेंटीमीटर बनाती है. और जो 100 सेंटीमीटर को यदि हम मिला देंगे तो उसको बोलते हैं 1 मीटर. आपने सुना होगा मीटर की, जो कुछ भी आप जो लेंथ वाली चीज़ें आप लेते हैं तो वो मीटर में ही बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ मीटर होता है इसका. तो बोलते 2 मीटर, जैसे आप क्लोथ ले जाते हैं बोलते 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो 2 मीटर कपड़ा कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा. नाउ ऐसे 100 मीटर को हम जब 1000 मीटर, 100 जो 100 आपका जो सेंटीमीटर 1 मीटर हो जाता है. ऐसे जो आपका जो 1000 मीटर मिल के आपका बनाता है 1 kilometer. सो दीज आर द बेसिक यूनिट्स. जब हम 4 मीटर से मीटर में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, करेंगे 1000 से करेंगे. और जब हम मीटर से किलोमीटर आएंगे तो हम करेंगे डिवाइड. बिगर टू स्मॉलर जाते हैं यूनिट्स में कन्वर्ट में तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, और स्मॉलर से बिगर जाते हैं तो करते हैं उस यूनिट से डिवाइड. किससे करेंगे, 1000. जब किलोमीटर से मीटर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और मीटर से किलोमीटर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 1000. सिमिलरली तो मीटर से सेंटीमीटर जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, एंड सेंटीमीटर से मीटर जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100. सिमिलरली सेंटीमीटर से हम जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से करेंगे. और जब एमएम से सेंटीमीटर आएंगे तो डिवाइड करेंगे 10 से. नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज. दिस ऑप्शन इज कन्वर्ट इनटू मीटर, 25 किलोमीटर. आपको किलोमीटर से मीटर जाना है, किलोमीटर से मीटर जाना है. तो बड़ा से छोटे में क्या होता था, ये बिगर से स्मॉलर जा रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे. बेसिक थिंग होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो हम इसी यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1000. सो जैसे मल्टीप्लाई किया मीटर में कन्वर्ट हो गया, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 300 को कर देंगे. सो ये हो गया कन्वर्ट. सो आंसर इज 25000 मीटर. तो 25 किलोमीटर का जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर विल बी 25000. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. अब आपको मीटर से सेंटीमीटर करना है, मीटर से सेंटीमीटर. आपको पता है सेंटीमीटर से बड़ा है तो हम कहाँ जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो हम 100 से ही सो 76 × 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7600 सेंटीमीटर. सो इन दैट वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ वी विल चेंज द क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर्स. तो आपको किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे. सो आपको जो गिवन नंबर है वो आप राइट करेंगे वन टाइम. और आपको पता है ये तीनों नंबर जो होते हैं 1, 10, 100 ये आपके मीटर में चले जाएंगे, और जो वाला प्लेस है आपका 1000 प्लेस, उसके बाद हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटेड वे में हम इसको राइट कर सकते हैं. 7000 मीटर प्लस 200 मीटर. सो डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या किया, हमने 7000 को अलग कर लिया और हमने ये लास्ट डिजिट वो कर लिया. तो इस टाइप में हम राइट कर सकते हैं. अब ये बताइए 7000 मीटर क्या हो जाता है, यदि हम इसको के एम में बोलें
तो आपको पता है कि 7000 मीटर इक्वल टू 7000, और जो लास्ट वन नंबर तो ऑलरेडी मीटर में है, हमको बताना क्या था km मीटर में। तो इसलिए हमने क्या किया कि वन स्टेप्स हमने लास्ट थ्री डिजिट को हमने लास्ट में राइट कर लिए, ये डिजिट को हमने दिए लास्ट में राइट कर लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगी डिजिट क्या बचेगा आपका 7000 बचेगा, तो 7000 मीटर बचा, तो 7000 मीटर को हम क्या राइट कर सकते हैं 7000 मीटर, मान लीजिए आपका मीटर में है ऑलरेडी, क्योंकि जो वन स्टेप्स 1000 डिजिट होगा वो तो मीटर का होगा। यदि हम ब्रेक में जाएँ तो लास्ट थ्री डिजिट हो गए आपके मीटर और जो भी रिमाइंड डिजिट होता है वो हो गए आपके km। तो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट कन्वर्ट इनटू केजी एंड ग्राम, सो 1500 ग्राम को आपको केजी और ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्ट्रीब्यूट, हम इसको अलग अलग राइट कर लेंगे, 1 10 100 1000 के इसके बाद जो नंबर है उसको देखिए जीरो को कर देंगे और 500 लास्ट का जो है वो, तो 1500 ग्राम को हम राइट कर सकते हैं 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ओके। सो ये 1000 ग्राम हम जानते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, सो इसकी जगह हम राइट कर सकते हैं 1 kg और लास्ट में आपको दिया 500 ग्राम, तो ये हो गया 500 ग्राम क्योंकि हमारा क्वेश्चन था 1 kg ग्राम। सिमिलरली वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 5000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, ओके। सो हम इसको राइट कर सकते हैं 5000 ग्राम को हम राइट कर सकते हैं 5 kg, बिकॉज 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, सो ये हो जाएगा 5 kg और ये हो जाएगा 750 ग्राम। सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी विल चेंज द टॉपिक, सो नाउ टॉपिक इज कन्वर्ट इनटू ग्राम सीजी एंड जी फॉर ग्राम, सीजी फॉर सेंटीग्राम, एमजी फॉर मिलीग्राम। So 1758 mg, so we have to convert in g, cg and mg. So first of all mg दिया है तो उसको हम करेंगे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1000 mg प्लस 758 mg, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1 ग्राम, बिकॉज 1000 mg इज इक्वल टू 1 ग्राम, सो ये हो जाएगा आपका 758, आपका ये हो जाएगा एम जी। अब आपको पता है सो 1 mg, जैसे इसको हम डिवाइडेड बाय या हम इसको राइट करेंगे 75, सो ये जो हो जाएगा 75 अपना सी जी, लास्ट जो यूनिट रहती है वो रहती है एम जी, तो ये हो गया एम जी। So 1 ग्राम 75 cg and 8 mg. So trick is last digit हमारा रहेगा mg का, बीच को 2 digits रहेंगे हमारे cg, और जितने भी रहेंगे digit आपका ये digit रहेगा आपका 1000 digit वो रहेगा ग्राम, because 1 ग्राम is equal to 1000 mg होता है, last वाला रहेगा mg, बीच के तो 2 digits will be cg and the 1000 mg. So in that way we can convert these kind of questions. Now we will change the topic. The student convert into liters and ml. So question is 8940 ml, we have to convert it into liters and ml. We know that हम क्या जानते हैं कि 1 liter is equal to 1000 ml. Okay. So हम distributed way में जा सकते हैं 8000 ml + 940 ml, इसको राइट कर सकते हैं हम 8 liters और लास्ट थ्री डिजिट मिल गई आपका है। सो लास्ट थ्री डिजिट आपका होता है ml में, जो रिमेनिंग डिजिट होती है वो होती है लीटर्स में, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि 8000 + 940, तो 8000 ml को राइट कर सकते हैं 8 liters और ये 940। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी विल चेंज द टॉपिक, so question is convert into kilometer and meter, km for kilometer and meter, so now we will write one time, hum option ko one time write karenge aur usko distribute kar lenge, 7000 meter plus 248, in that we can write it, so 7000 meter ho jayega hamara 7 km, kyunki 1 jo hamara 1 km is equal to hota hai 1000
राइट कर सकते हैं 7 km, लास्ट थ्री डिजिट है 50 meters. सो आंसर इज 7 km 258 meters. सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो कीप प्रैक्टिस ऑफ इट. थैंक यू.